मैं हूं डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेंस प्रेसिडेंट। हमने पितृदोष के ऊपर दो पार्ट्स किए, आज हम तीसरा भाग पार्ट्स करने जा रहे हैं पितृदोष के लिए। तो मेरा काफ़ी अनुभव रहा पितृदोष, कोई लोग मानते हैं नहीं मानते पितृदोष होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ पितृदोष होता है। तो उनका तीन चार में सेशन में आपको समझाऊँगी कि पितृदोष के मैंने जब जब मैंने किया है आर ओकल साइंस टू कनेक्टेड है, और तो तब तब मुझे बेनिफिट हुआ है। मैंने बताया कि पितृदोष के लिए, तो एक व्यक्ति था जिसको पितृदोष हो रहा था, तो घर में कहीं बाधाएं आ रही थी, काम नहीं हो रहे थे। तो मैंने बोला आपके घर में कोई पितृदोष है करके, तो हमारे घर में तो कौन है, मेरी तो किसी की अपमृत्यु हो गया तो अचानक से डेथ हो गई है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा देवर ऑफ हो गया है और अचानक से उसकी डेथ हो गई, वो 35 या तो 40 ईयर्स के थे। तो मैं बोली ठीक है, तो उसकी आत्मा आपके घर में आजू बाजू घूम रही है और आपको कुछ बताना चाहती है। तो कि ठीक है कि आप बुला सकते हो, बात करवा सकते हो मेरे देवर के साथ। मैं कहती हूँ हाँ, तो आपको क्या करना है। तो मैं बोली आपको एक काम करना है, आपको पूरे फैमिली को जो जो अंगत है जो देवर को ज़्यादा पसंद करते थे सबको बुला लीजिए। तो पहले तो उनकी वाइफ, दो बच्चे और उसके माता और उसके भाई सबको बुलाया, और फिर बातें, फिर मैंने उनकी वाइफ के अंदर ही उसके भाई उसके हस्बैंड को बुलाया, उसका देवर आया, बातचीत। पहले तो मुंह चढ़ा हुआ था, बात नहीं कर रहा था। तो फिर उसकी माता जी को मैंने बोला आप अपने बेटे के साथ बात कीजिए, वो कुछ बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने बोला बेटा मेरे साथ बात करके, मेरे साथ क्यों तू बात नहीं कर रहा है, तू आया है फिर भी मेरे साथ बात नहीं बोलता है, जाने के टाइम पे तू मुझे मिला भी नहीं। तो बेटा बोलता है मैं आप लोगों के साथ क्या बात करूँ, आपको पता नहीं है आप मेरी वाइफ इन दो बच्चों के साथ अकेली रह रही है, आप उसको ध्यान नहीं रख रहे हो, कितनी अकेली हो गई, वो अकेले अकेले रोती है और आपको मेरी वाइफ दिखाई नहीं देती, मेरे दो बच्चे भी दिखाई नहीं देते हो और आप सब लोग अपने में मशगूल हो गए हो। तो बोले कि हम तो आपकी वाइफ को बहुत ही बढ़िया रख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, तुझे भी तो पता है कि तेरे मरने के बाद हमने आपकी वाइफ को बोला था कि आप दूसरी शादी करनी है तो कर सकते हो, लेकिन लड़का हमारे पास रहेगी, एक लड़की को तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। तो बोले हमने अपॉर्चुनिटी भी दी थी, लेकिन तेरी वाइफ ने बोला मुझे शादी नहीं करनी है, तो हम क्या करें, आप अपनी वाइफ से पूछ लो। तो कि ठीक है ऐसे करके। फिर उसकी वाइफ ने, उसकी बहन ने भी बात की, तो कि भैया ये हम लोग तो तेरी वाइफ को देखो आज भी बुला रहे, दोनों बच्चों को भी प्रेम से रख रहे, पढ़ाई भी करवा रहे, सब कुछ कर रहे, तो कि वो बहुत रो रही तो उसका कुछ इलाज कीजिए। तो कि हमने बोला कि एक काम कीजिए, आपको ऐसा लगे तो हम उसको वापस बोलेंगे आपको दूसरी शादी करनी है तो कर सकते हो, और अच्छी तरह से घर में रहे वो। तो उसको क्या, उसकी सास के साथ प्रॉब्लम थी तो ज़्यादा उसके साथ पड़ती नहीं थी, आर्गुमेंट ज़्यादा होती थी, तेरी वजह से ये हुआ, मेरा दिक बेटा चला गया, ये सब। तो ऐसा करके उसने बेटे ने बोला कि आज मुझे मेरी बहन के हाथ से थोड़ी सी चाय पीनी है, मेरी वो तृप्ति बाकी है, चाय पीने की इच्छा है, बहुत ही बढ़िया बनाती है, उनकी बहन चाय बना के लाई, उसके हाथों से चाय पी। फिर उसकी भाभी कि मेरी भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया, जब भी मुझे पैसा चाहिए था वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से रखती थी और मेरे को पैसे दे देती थी, कभी भैया को भी बताया नहीं है। तो मुझे उनके हाथों से खाली पानी पीना है और फिर मैं सबको आशीर्वाद देके और घर में अच्छा रहे ऐसा करके मैं यहाँ से चला जाता हूँ और बहुत ही अच्छी तरह सबको ब्लेसिंग देता हूँ, आगे बढ़िए और जो भी रुकावट आ रही मुझे याद करना, मैं आपका रुकावट हुआ जो भी कार्य है वो पूर्ण कर दूँगा। तो ऐसे वो आत्मा आके बात करती है, तो वहाँ पे हम फिर हम देखते हैं तो पितृदोष ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, और भी नए नए आपको एक्सपीरियंस में शेयर करती रहूँगी पितृदोष के बारे में, तो आपको पता चले कि पितृदोष क्या होता है, कैसा होता है और कहाँ कहाँ मुसीबतें आती है। तो पितृदोष की वजह से पितृलोक में आत्माएँ भटकती हैं, उसको आत्मा को शांति नहीं मिलती है और हमारे घर में पूरी नज़र से वो लोग देखते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, वो भी वो बताते हैं क्योंकि उनको सारी बातें पता रहती है। और मैंने सारी बातें सुनी हुई, इसलिए मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।